जैसा मैंने आपको बताया था कि मेंडल जो था उसने एक बार में एक या दो ही करेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की थी, ये उसकी सक्सेस का एक बड़ा कारण था। तो आइए देखा जाए, हम पहले एक करेक्टर के इनहेरिटेंस को देखते हैं। जब हम एक करेक्टर के इनहेरिटेंस को या एक जीन के इनहेरिटेंस को देखते हैं तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब हम दो करेक्टर को या दो जीन के इनहेरिटेंस को सेम टाइम में देखते हैं तो उसे हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस में अगर आप चाहें तो ऐसे इसके बारे में लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने तो ये लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ये देखिए, क्योंकि एक जीन के मिनिमम दो एलील हो सकते हैं तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एक तरीका तो ये है इसको एक्सप्लेन करने का, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं कि ये देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट सेम टाइम, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट सेम टाइम। ये देखिए, एक ही समय में जब हम एक इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर देखते हैं तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हम सिर्फ इसमें एक करेक्टर को देखते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले मेंडल ने, अगर आप देखें, मेंडल ने प्रिपेयर होमोजाइगस प्योर लाइन, प्रिपेयर होमोजाइगस पेरेंट्स, होमोजाइगस पेरेंट्स को हम लोग, जो होमोजाइगस होते हैं इन्हें हम लोग प्योर लाइन कहते हैं। अगर आपको होमोजाइगोसिटी लेनी है, प्योर लाइन लेनी है, तो आपको बार बार इनब्रीडिंग करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, इनब्रीडिंग। तो मेंडल ने प्रिपेयर किया होमोजाइगस पेरेंट्स को, इनब्रीडिंग कराई। उसने क्या किया, अगर आप देखें तो उसने ये काम किया, ये देखिए कैपिटल टी लिखा मैंने। अगर आप इसे मेल मान लें, मेल पेरेंट मान लें, तो ये होमोजाइगस हो गया। होमोजाइगस क्यों हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर दोनों एलील सेम है, दोनों एलील सेल क्या है, सेम है, दोनों कैपिटल टी लिखा है, और दोनों होमोजाइगस ये टाल पेरेंट है। मतलब एक पौधा उसने लिया जो होमोजाइगस है, ये बात उसने पहले से क्लियर की, और पौधा जो है टॉल पेरेंट है, वो पौधा टॉल है, लंबी साइज का मटर का पौधा है। उसे इस पौधे को क्रॉस कराने के लिए सोचा, मेल से माना, दूसरा पौधा लिया जिसमें हमने स्मॉल टी लिखा, और ये देखिए ये होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट है। मैं होमोजाइगस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों पेरेंट स्मॉल टी से लिखे जा रहे हैं, दोनों एलील आइडेंटिकल है, एक ही जीन के दोनों एलील क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट हो गया। मेंडल ने, आप मोटा मोटा माने, एक मटर का पौधा लिया जो बड़ी साइज का था, दूसरा मटर का पौधा लिया जो छोटी साइज का था। अब इसने दो होमोजाइगस, एक टाल पेरेंट को लिया और एक होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट को लिया, और इन दोनों की क्रॉसिंग कराई। तो आप चाहे यहां लिख दें कि सर ये पेरेंट है, होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट है और होमोजाइगस टाल पेरेंट है, ये पेरेंट है। अब आप ये देखिए, क्योंकि ये होमोजाइगस है तो इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ होगा तो इससे कैपिटल टी, और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें स्मॉल टी, ये इसके गैमेट्स बने। ये देखिए, ये क्योंकि अगर आप देखिए तो दोनों एलील क्या है, आइडेंटिकल है, इसे आपने मेल माना है तो आप इसे फीमेल मान लें। इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल है इसलिए होमोजाइगस कहा, उसमें स्मॉल टी इसको हमने होमोजाइगस कहा। ये बड़ी साइज का पौधा है, ये छोटी साइज का पौधा है, फिक्स है ये बात। मतलब आप ऐसा समझे कि एक मटर का पौधा बड़ी साइज का है ये देखिए, और एक दूसरा मटर का पौधा छोटी साइज का, ऐसा कुछ रहा होगा। ये होमोजाइगस टाल प्लांट है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। अब ये जब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, अब ये मेल है जिससे ये क्या बनेगा, पॉलिन ग्रेन बनेगा, और ये फीमेल है जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो एग बनेगा, यही मीनिंग भी। फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों प्लांट्स का, ये जो दोनों गैमेट्स बने इसका इन्होंने फर्टिलाइजेशन करा दिया। फर्टिलाइजेशन करा दिया तो क्या बना, अगर आप देखें, फर्टिलाइजेशन करा दिया मतलब मेल फीमेल गैमेट, या आप फर्टिलाइजेशन लिखे या लिखे सर पॉलिनेशन करा दिया, पॉलिनेशन करा दिया मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास आर्टिफिशियली पहुंचाया। यहां पर जो ब्रीडिंग हो रही है वो कंट्रोल्ड और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही है। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देखिए पहली जनरेशन आई, जब
उसने फर्टिलाइजेशन करा दिया तो जायगोट बना। अब इस जायगोट में देखिए दोनों एलील अनआइडेंटिकल है, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। तो अगर एक ये कौन सी जनरेशन है, इसे हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन माने पहली जनरेशन, F1 जनरेशन माने हुआ पहली जनरेशन। F1 मतलब यहाँ पर फिलियम से मतलब है। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों एलील है, ये दोनों जो एलील है एक ही जीन के जो दो एलील है वो अनआइडेंटिकल है, इसलिए इसको हेटरोजाइगस लिखा जाएगा। हेटरोजाइगस, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, हेटरोजाइगस है। अब प्रश्न ये है कि ये जो गैमेट बना ये कैपिटल टी से मतलब टाल प्लांट से बना है, ये जो गैमेट बना है स्मॉल टी मतलब डॉर्फ प्लांट से बना है। तो इन दोनों प्लांट में अगर दोनों गैमेट की ब्लेंडिंग हो जाती, दोनों गैमेट मिक्स कर जाते तो यहाँ पौधा कैसा होता, ना बड़ा होता ना छोटा होता, वो मझोली साइज का होता, सेमी ड्वार्फ होता। लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो पहली जनरेशन है ये हेटरोजाइगस जो प्लांट है ये टाल प्लांट है, हेटरोजाइगस टाल प्लांट है। अब आप सोचो कि पौधा टाल है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पेरेंट अपियर हुआ या ये पेरेंट अपियर हुआ, तो आप कहेंगे सर ये पेरेंट अपियर हुआ F1 जनरेशन में और ये पेरेंट रेसेसिव रहा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो जो पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया उस पेरेंट को हमने कहा भाई ये डोमिनेंट है, ये क्या है डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट है। और जो अपने आप को पेरेंट हिडन रखा, जो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो रेसेसिव है। सिंपल सी बात सोचिए, एक पिताजी बड़े हो माँ छोटी हो, सारी संतानें बड़ी बड़ी होंगी तो किसका जीन डोमिनेंट है, फादर का जीन डोमिनेंट है और मदर का जीन क्या है रिसेसिव है। तो ये F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन मतलब आप ऐसा मोटा मोटा समझो एक मटर का पौधा बड़ा है एक छोटा है, दोनों की ब्रीडिंग कराई जाती है। तो जो पौधे पहले जो पहली जनरेशन के पौधे आते हैं वो सारे के सारे हेटरोजाइगस टाल पैलेंट आपका प्लांट आते हैं, टाल प्लांट आते हैं। अब मेंडल के सामने प्रश्न ये था कि वो कैसे पता करे कि इसमें छिपा हुआ करेक्टर है, मतलब पौधा तो लंबा दिख रहा है तो क्या छोटा जो करेक्टर है ये जो पेरेंट है उसका जो एलील है वो यहाँ पर है या नहीं है, इसको मेंडल को बड़ी चिंता हो गई। तो मेंडल ने क्या किया, इनकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब समझे, सेल्फिंग मतलब ये हुआ, सेल्फिंग का मतलब समझे आप, ये जो ये प्लांट है F1 जनरेशन का प्लांट लंबी लंबाई का था, इससे जो शीट बने उससे पौधे बड़े किए और उन्हीं पौधों के बीच में सीड से ब्रीडिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब ये हुआ, फिर समझ लीजिए ये पौधा है F1 जनरेशन का कैसा है, बोलिए टाल है। तो इस पौधे को उसने बोया होगा, कल्टीवेट किया होगा, पौधे बढ़े हुए होंगे, तो उसने क्या किया इसी पौधे से इन्हीं पौधों के बीच में फिर से क्रॉसिंग करा दी। क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ, इन्हीं की मेल गैमेट से फीमेल गैमेट की क्रॉसिंग करा दी। तो जब गैमेट की क्रॉसिंग करा दी तो हुआ क्या, अब ये हेटरोजाइगस है। तो अगर आप इसकी F2 जनरेशन देखना चाहते हैं तो होगा क्या, देखिए अभी मैंने आपको चेकर बोर्ड पढ़ाया था, आप ऐसे एक वो बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर चेकर बोर्ड में बताया था कि हॉरिजॉन्टली मेल गैमेट को और वर्टिकली फीमेल गैमेट को एक्सप्लेन करते हैं। आपने ऐसे चेकर बोर्ड मेथड बना दी, ये देखिए हम लोग F2 जनरेशन देख रहे हैं। सेल्फिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ, सेल्फिंग का मतलब इन्हीं पौधों के बीच में फिर से क्रॉसिंग करा के ये देखना कि छिपा हुआ करेक्टर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सेल्फिंग कराएंगे तो ऐसा ही मेल पैलेंट में होगा, ऐसा ही फीमेल भी होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये मैंने बता दिया ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ पर आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दीजिए, एक पेरेंट ये हो गया, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दीजिए, एक पेरेंट ये हो गया। अब ये हेटरोजाइगस है, पेरेंट जो है वो कैसा है, हेटरोजाइगस है। तो अगर हेटरोजाइगस है तो इसके लिए फार्मूले होते हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है, ये आप यहाँ लिखिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सॉरी टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट या फीनोटाइप कितने बनते हैं हाइब्रिड के केस में, तो टाइप ऑफ गैमेट या फीनोटाइप को निकालने का जो फार्मूला है उस फार्मूले का नाम है 2n। n यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड की संख्या है, हम आपको सिखाते हैं। दूसरा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ फीनोटाइप कितने बनेंगे, जीनोटाइप मतलब मैंने बताया था जेनेटिक एक्सप्रेशन है, टाइप ऑफ जीनोटाइप को एक्सप्लेन करने का जो फार्मूला है वो 3n है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टाइप ऑफ
या नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ जायगोट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जायगोट या सीड कितने बनेंगे, तो इसका फार्मूला है 4n। यन यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड है, ये देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड है। तो आप इसे फार्मूले से आराम से डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइब्रिड कैसे पता किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी कितना हाइब्रिड है, कहेंगे आप सिंगल हाइब्रिड है, इसका मतलब यहाँ यन बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक ही जीन है जिसके दो एलील हैं, दोनों अनआइडेंटिकल है, तो वो एन हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी टाल का है, डब्ल्यू जो है सेब का है, तो यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो करेक्टर को देखा जा रहा है, एक करेक्टर टालनेस का है, दूसरा जो है उसके शेप का है या कलर का है। भाई एक जीन तो ये है, एक जीन ये है और दूसरा जीन क्या है, ये है, तो ये जो है डाईहाइब्रिड हो गया मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर यन बराबर क्या होता है, यन बराबर 1 हो गया। तो अगर आपको निकालना हो कि यहाँ पर टाइप ऑफ कैमीट कितने बनेंगे इस केस में, तो टाइप ऑफ कैमीट अगर आप निकालना हो तो टाइप ऑफ कैमीट यहाँ पर बनेंगे, देखिए 2n दो तरह के इस हाइब्रिड से। अगर आपसे कहूँ टाइप ऑफ जीनोटाइप यहाँ कितने बनेंगे मोनोहाइब्रिड क्लास में टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो ऑलरेडी आपने n बराबर 1 लिखा है, तो टाइप ऑफ जीनोटाइप का फार्मूला क्या है, 3n। इस तरह से तीन तरह के जीनोटाइप बनेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ जायगोट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जायगोट कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 4n है, 4n लिखिए, 4 बनेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने बनेंगे, टाइप ऑफ फिनोटाइप, तो फिनोटाइप गैमेट का फार्मूला सेम है, आप लिखेंगे सर ये देखिए लिख दीजिए 2n, इस तरह से 2 बनेंगे। तो यहाँ गैमेट दो तरह के बनेंगे, जीनोटाइप 3 तरह के बनेंगे, जायगोट 4 तरह के बनेंगे, संख्या उनकी 4 होगी, और नो टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 तरह के बनेंगे। आइए देखा जाए, ये जो है ये जिसे आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं, ये जो पेरेंट है इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी और एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी। बोले हाँ सर ऐसा ही होगा, दोनों एक ही तरह के। लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि सर इसमें इसमें कहीं गैमेट कैसे बनेगी, तो होमोजाइगस है, तो इससे गैमेट की संख्या तो 2 होगी, गैमेट तो 2-4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन टाइप तो 1 ही होगा। अगर कहीं दोनों में तो कैपिटल टी है, तो यहाँ पर टाइप 2 है, यहाँ पर आइडेंटिकल एलील बनेंगे, मतलब जब हेटरोजाइगस कंडीशन होगी तो एक हाइब्रिड से दो तरह के गैमेट बनते हैं। तो अगर आप यहाँ लिखना हो तो लिख दीजिए, एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है, इससे बना, इसी तरह से यहाँ भी एक गैमेट बनेगा और ये भी गैमेट बनेगा, ये देखिए। लेकिन अगर आप इसके सेल्फिंग कराते हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी बनेगा, तो बोलिए होमोजाइगस स्टाल है या हेटरोजाइगस स्टाल है। आप कहेंगे सर ये होमोजाइगस स्टाल है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप इसे लिख दीजिए होमोजाइगस स्टाल है, ये देखिए। ऐसे आपने यहाँ क्रॉस कराया कैपिटल टी का स्मॉल टी से, दोनों एलील आइडेंटिकल है या अनआइडेंटिकल है, आप कहेंगे सर अनआइडेंटिकल है, तो होमोजाइगस ना लिख के यहाँ पर लिखा जाएगा कि सर ये हेटरोजाइगस क्या है, टाल है, ये भी पौधा टाल होगा। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं इसकी क्या स्थिति होगी, तो आप कहेंगे सर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, आप कहेंगे सर हेटरोजाइगस लिखिए, क्योंकि एलीन अनआइडेंटिकल है, हेटरोजाइगस टॉल है। इसका क्रॉस कराएंगे, इसका देखिए स्मॉल टी है, आप इसे होमोजाइगस, गलती से इसे टाल मत लिखना, क्योंकि ये ड्वार्फ बनेगा, और उन्हें फर्स्ट लिखा कि सर ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। काउंट करिए कितने टाल है, ये टाल है, ये टाल है, ये टाल है, टाल कितने हुए, 3, और ड्वार्फ कितना हुआ, सिंगल। तो अगर आपको इसका निकालना हो कि भाई बताइए कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसा होगा, F2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, F2 ये मोनोहाइब्रिड पढ़ रहे हैं या डाईहाइब्रिड पढ़ रहे हैं, चाहे आप यहां लिख लें कि यहीं पर लिख लें इस रिजल्ट को, F2 मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड ऊपर से देखिए इनहेरिटेंस आप कौन जीन देख रहे हैं, F2 मोनोहाइब्रिड, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो मतलब दिख कैसे रहे, कितने टाल कितना ड्वार्फ दिख रहा है, तो आप खुद ही बताइए टाल और ड्वार्फ कितने हैं। टोटल जायगोट बन रहे हैं 4 तरह के, जिसमें 3 पौधे टाल हैं और 1 पौधा ड्वार्फ है, आप काउंट कर लीजिए, किसी तरह से आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो प्लांट ड्वार्फ है मैं उसको रेड कलर से यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूं,
ये देखिए ये ड्वार्फ है, तो तीन टाल हो और एक ड्वार्फ है, इस तरह से तीनों डाल टाल का और एक ड्वार्फ रेशियो देखेंगे तो 3:1 आता है। ये कौन सा रेशियो है, देखिए मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है, एफ वन जनरेशन या एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन है, चाहे यहां पर भी लिख दें आप एफ टू मोनोहाइब्रिड, एफ टू मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, ये देखिए एफ टू मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, एफ टू मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, ये देखिए। तो रेशियो क्या आया इसका, इसमें तीन टाल आए और एक ड्वार्फ आया, ये देखिए रेशियो क्या आया 3:1। ये कौन सी जनरेशन है, ये है एफ टू। काउंट कर लीजिए फिनोटाइप कितने तरह के आए, यहां पर आपने फार्मूला लिखा है नंबर ऑफ टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर 1, टू तरह के, दो तरह के फिनोटाइप आए, एक टाल आया और एक ड्वार्फ आया। इसी तरह से अगर आप देखें दूसरा कहानी इसकी देखें, एफ टू मोनोहाइब्रिड, क्योंकि मोनोहाइब्रिड आप एक जीन का इनहेरिटेंस देख रहे हैं, एफ टू मोनोहाइब्रिड, ये देखिए जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पहले ग्लोसरी में कि जीनोटिपिक कहते हैं उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। आप ये देखिए अगर आप समझ पाए इस बात को, टोटल टाइपोड चार तरह के हैं, जीनोटिपिक रेशियो बाहर निकालने का फार्मूला आपने यहां लिखा है कि जीनोटिपिक रेशियो को निकालने का जो जीनोटाइप पढ़ने का तरीका है फार्मूला 3 की पावर n है, और n क्या है नंबर ऑफ हाइब्रिड प्लांट है। तो अगर आप देखें एफ टू मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो देखें तो क्या है, देखिए इसमें चार पौधे में एक पौधा है जो कैपिटल टी है, बोलिए हाँ सर, चार में एक ऐसा है, देखो दिख रहा है ये वाला, चार में एक पौधा जो होमोजाइगस है, कैपिटल टी है। इसमें दो पौधे हैं, चार में दो पौधे हैं वो भी टाल हैं, लेकिन उनका रेशियो जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, बोलिए बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये है, बोलिए हाँ सही बात है, ये दोनों टाल हैं, ड्वार्फ है, तीन दोनों ड्वार्फ है, फर्क यह है कि ये होमोजाइगस है और ये क्या है हेटरोजाइगस है। तीसरी बात देखिए, इन चारों में एक ऐसा है जो ये ऐसा है, मतलब ये टाल है या ड्वार्फ है, आप कहेंगे सर ये ड्वार्फ है, तो अगर आप इसका जीनोटाइप रेशियो देखें तो चार में एक ये है जो कैपिटल टी होमोजाइगस टाल है, चार में दो ऐसे ये है, ये आप टू हो जाएगा, यहाँ पे दो है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है मतलब हेटरोजाइगस टाल है, और ये चार में एक ऐसा है जो होमोजाइगस ड्वार्फ है, ये होमोजाइगस टाल है, ये दोनों हेटरोजाइगस टाल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। इस तरह से अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखें तो ये रेशियो आता है 1:2:1। 1 का सेंस ये है कि होमोजाइगस टाल, 2 का मतलब है हेटरोजाइगस टाल, और 1 का मतलब है होमोजाइगस ड्वार्फ। अगर आपको यहां पर लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख दें F2 मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो, F2 मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो आता है इसका, ऐसे आप नीचे लिख दीजिए क्लियर रहे 1:2:1। ये 1 हो गया, ये दोनों मिला के 2 हो गया और ये 1 हो गया, कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इन गैमेट्स की ब्लेंडिंग हुई या नहीं हुई, अगर इनकी ब्लेंडिंग हो जाती तो यहाँ प्लांट कैसा आता, सेमी ड्वार्फ। अच्छा अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो यहाँ टाल ड्वार्फ प्लांट कभी ना आता, सारे प्लांट कैसे होते हैं टाल प्लांट होते, क्योंकि ब्लेंडिंग नहीं हुई इसलिए यहाँ पर आपको एक ड्वार्फ प्लांट दिखाई पड़ा, किस जनरेशन में, F1 में, F2 में, F2 जनरेशन में। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिसेसिव करेक्टर है वो हमेशा F2 जनरेशन दिखाई पड़ता है, रिसेसिव करेक्टर कभी भी F1 जनरेशन में नहीं दिखाई पड़ता है, ये भी आपको सीखना है। रिसेसिव करेक्टर कब दिखाई पड़ता है, F2 जनरेशन में। देखिए यहाँ पे ये कौन सी जनरेशन है, F2 है, आपने यहाँ सेल्फिंग कर ली ना इसकी F1 की, जब आपने F1 की सेल्फिंग की तभी तो F2 आया, तो रिसेसिव करेक्टर कब दिखाई पड़ता है, ये जो ड्वार्फ जीन था, ये जो ये वाला जीन था स्मार्टी में यहाँ दिखाई पड़ा ना भाई, और भी कब करने, जब हमने इसकी सेल्फिंग कर दी, हमने क्या कर दिया सेल्फिंग कर दिया, तब आपको इस तरह का रिसेसिव करेक्टर F2 जनरेशन में दिखाई पड़ा। रिसेसिव कौन था, टाल था या ड्वार्फ था, तो आप कहेंगे सर इसमें रिसेसिव जो था वो ड्वार्फ प्लांट था, तभी तो F1 जनरेशन में दिखाई पड़ा। ये जो ड्वार्फ पेरेंट है, ड्वार्फ पेरेंट कब दिखाई पड़ा, F2 जनरेशन दिखाई पड़ा,
ये कॉन्सेप्ट आपको। तो ये मोनोहैबिक क्रास है, इसके बारे में, इसके आधार पर मेंडल ने दो रूल दिए। पहला रूल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा रूल दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई रूल्स को क्लियर करते हैं बेटा। मोनोहाइब्रिड क्रास जब मेंडल ने किया क्या, मैंने बताया आपको कि पहले टाल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया, क्रास कराया भाई, F1 जनरेशन फिट हो जाएगी, सही, सारी सारे टाल प्लांट थे। लेकिन उसको शक हुआ कि जो डॉर्फ प्लांट है वो है या नहीं है, तो उसने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, F2 जनरेशन आई मोनोहाइब्रिड में, और उसने ये देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया, 3 टाल और 1 डॉर्फ आए, लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 आया, मतलब एक होमोजाइगस टाल तो हेटरोजाइगस टाल और एक जो है होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट आया। तो उसने इस मोनोहाइब्रिड क्रास के आधार पे दो जो है रूल एक्सप्लेन किए जेनेटिक्स के। पहला जो रूल है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पहला रूल है, ये मोनोहाइब्रिड क्रास का रिजल्ट है मेंडेलियन मेंडल का। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी देख रहे हैं तो ये देखिए सीधे सीधा उसने पहला कमेंट किया कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर, डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। मतलब यह हुआ कि जो कैरेक्टर्स हैं या जो मतलब ट्रेड्स हैं उन्हें डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल करे, जिसे फैक्टर कह रहे हैं। हमने आपको बताया इसे फैक्टर को बाद में लोगों ने जीन कहा, और सही बात है, कोई भी करेक्टर उसे जीन ही कंट्रोल करता है। पहला कमेंट उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये किया। दूसरा उसने किया कि फैक्टर्स अकर इन पेयर, जो फैक्टर्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर्स जो होते हैं पेयर में होते हैं। अगर आप पेरेंट्स पे देखें तो पेयर का सेंस क्या हुआ, एक पेरेंट है जो कैपिटल टी है, एक पेरेंट है जो स्मॉल टी है, तो आपने लग रहा कि ये दो एलील है जो जोड़े में है। ये पौधा कैसा है, अगर आपसे पूछूं ये प्लांट टाल है, ये प्लांट कैसा है, ड्वार्फ पे है, तो आप ये बताइए जो ये फैक्टर्स है ये सिंगल है या डबल है। आप कहेंगे सर ये फैक्टर्स जो है डबल है, मतलब जोड़े में है। इन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। हाँ, गैमेट्स में अनपेयर्ड होते हैं, गैमेट तो आप देखिए सिंगल है ना भाई, गैमेट उससे भी हैप्लॉइड होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। तीसरी बात देखिए, इन ए डिसिमिलर पेयर का मतलब क्या हुआ, आप ये बताइए यहाँ पर एलील सिमिलर है या डिसिमिलर है। दोनों कैपिटल टी है तो सिमिलर हुए, यहाँ पर सिमिलर या डिसिमिलर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सिमिलर है। तो इन ए डिसिमिलर पेयर, इस फिगर में आपको कहीं डिसिमिलर दिख रहा है मुझे, तो यहाँ दिख रहा है डिसिमिलर, चाहे आप यहाँ ले सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों डिसिमिलर है। एनसीईआरटी लिखा है इन ए डिसिमिलर पेयर वन फैक्टर डोमिनेट्स अदर, वन फैक्टर डोमिनेट्स जो डोमिनेट कर रहा है उसे डोमिनेंट कह रहे हैं। तो बताइए ये जो डोमिनेट कर रहा है वो कैपिटल टी कर रहा है स्मॉल टी, आप कहेंगे सर कैपिटल टी कर रहा है, तभी तो यहाँ प्लांट कैसा आ रहा है, टाल आ रहा है। वन फैक्टर डोमिनेट्स टू अदर, दूसरा फैक्टर को डोमिनेट कर रहा है, जिससे वो डोमिनेट कर रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो बताइए रिसेसिव कौन है यहाँ पे, रिसेसिव यहाँ पर है, अगर आप मेरी समझे तो यहाँ रिसेसिव स्मॉल टी है, यहाँ डोमिनेंट कैपिटल टी है। तो दोनों जो है, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये सिमिलर है डिसिमिलर है। आप यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन यहाँ प्लांट कौन सा आ रहा है, टाल आ रहा है। तो जब टाल प्लांट आ रहा है जिसका मतलब कैपिटल टी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। स्मॉल टी कब दिख रहा है, F2 जनरेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि रिसेसिव करेक्टर या रिसेसिव एलील जो है वो F2 जनरेशन में दिखाई पड़ता है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस तीन बातें कहता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, फैक्टर्स जोड़े में हैं, और अगर ये फैक्टर्स डिसिमिलर हैं तो एक डोमिनेट कर रहा है दूसरे को, एक डोमिनेट कर रहा है दूसरे को, तो जो डोमिनेट कर रहा है अपने आप को प्रकट कर रहा है वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है वो रिसेसिव है। ये पहला कमेंट इन्होंने पास किया। लेकिन आगे चल के जब और भी इसके जो है खोजे गए
मतलब और भी जेनेटिक्स की जब आगे जेनेटिक्स बढ़ा और भी लोगों ने रिसर्च किया तो इसके एक्सेप्शन आने शुरू कर हो गए। एक्सेप्शन पहला आया भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं देखा जाता है। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें दोनों पेरेंट दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी ने इसी का जिक्र किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों नहीं दिखाई पड़ते हैं, एक नया करेक्टर दिखाई पड़ता है। और दूसरा इसका दूसरा जो आया वो को डोमिनेंस आया जिसमें F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स दिखाई पड़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 हाइब्रिड में दोनों पेरेंट्स नहीं दिखाई पड़ते, एक नया फिनोटाइप दिखाई पड़ता है। जैसे रेड ग्रीन को क्रॉस कराते हैं तो पिंक दिखाई पड़ता है, रेड ना रेड दिखाई पड़ता है ना ग्रीन। और को डोमिनेंस में दोनों दिखाई पड़ते हैं, दोनों पेरेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसलिए ये दो फिनोमिना है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है। यूनिवर्सल रूल मतलब हर जगह फॉलो नहीं किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा, ये पहला रूल आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट है पहला इन्होंने बताया। इसका जो दूसरा इन्होंने रूल दिया उसे उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर आप समझे तो सेग्रीगेशन माने सेपरेट होने से मतलब होता है। ये देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या हुआ, सेपरेशन से मतलब है, या इसे हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या है, इसका जिक्र हम लोग करते हैं, समझते हैं कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या है, ये रूल क्यों लिखा गया। तो ये देखिए अगर आप समझे इस बात को तो देखिए देखिए एलील्स या फैक्टर्स अकर इन पेयर। ये देखिए अकर इन पेयर, जो गैमेट्स है एलील्स है वो जोड़े में पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो यहां पर भी पेयर्ड है और यहां पर भी पेयर्ड है, या आप यहां देख लीजिए इस जगह पे तो अकर इन पेयर, बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट टू ईच अदर, बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट टू ईच अदर, मतलब जिस समय गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं दे सेग्रीगेट टू ईच अदर, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए आपके पास ये पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका ये नहीं मतलब हुआ कि इससे दो तरह के गैमेट्स मिलेंगे तो दोनों गैमेट्स की ब्लेंडिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस समय गैमेटोजेनेसिस होगी इससे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। और इसका प्रूफ कैसे हुआ, इसका प्रूफ ये हुआ कि आपने जब यहाँ पर क्रॉस कराया, ये देखिए ऐसे आपने जब क्रॉस कराया था चेकर बोर्ड मेथड से, आप इस बात को यहां से समझ लें तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये एक मेल है ये फीमेल है, यहां पर एक पेरेंट ये वाला है, ये पेरेंट ये वाला है, सेल्फिंग करा रहे हैं आप, इससे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, इससे भी दो तरह के गैमेट्स बनेंगे क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड है। तो आप ये कैसे पता चलेगा कि जो एलील्स इनकी ब्लेंडिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर ब्लेंडिंग होती तो यहां पर देखिए एक प्लांट ये टाल आया, ये प्लांट टाल हेटरोजाइगस आया, ये प्लांट टाल हेटरोजाइगस आया, लेकिन ये प्लांट ड्वार्फ हेटरोजाइगस आया। क्योंकि ये ड्वार्फ हेटरोजाइगस आया इसका मतलब ये हुआ कि इस हेटरोजाइगस प्लांट से, हाइब्रिड प्लांट से जो गैमेट्स बने उनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, उनकी मिक्सिंग नहीं हुई। अगर उनकी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग होती तो यहां टाल और ड्वार्फ के साथ साथ एक सेमी ड्वार्फ प्लांट भी दिखाई पड़ता, मतलब एक पौधा बड़ा दिखाई पड़ता, एक छोटा दिखाई पड़ता, और दूसरों के उन दोनों के बीच में कोई एक पौधा भी होता जो उन दोनों के बीच की साइज का होता। लेकिन दो ही तरह के प्लांट दिखाई पड़े, या तो टाल दिखाई पड़ा या तो डार्फ दिखाई पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि हेटरोजाइगस
पेरेंट्स से, जो हेटरोजाइगस एफ1 जनरेशन का पेरेंट है, इसे जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो गैमेट्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग की मतलब मिक्सिंग नहीं हुई। अगर मिक्सिंग होती तो एक टाल दिखाई पड़ता, एक ड्वार्फ दिखाई पड़ता और एक सेमी ड्वार्फ दिखाई पड़ता, एक बड़ी साइज का पौधा दिखाई पड़ता, एक छोटी साइज का पौधा दिखाई पड़ता और एक बीच की मझोली साइज का पौधा दिखाई पड़ता। तो देखिए मैंने कितनी गजब बात लिखी है कि एलियंस आकर इन पेयर बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट टू ईच अदर। सो सच ए गैमेट रिसीव्स ओनली, आप पूरी बात देख ले, ओनली वन ऑफ ए पेयर ऑफ एलील। वन ऑफ ए पेयर ऑफ एलील मतलब ये हुआ कि जो जोड़े में एलील था उसमें से केवल एक ही एलील को एक गैमेट कंटेन करता है। ये देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। अच्छा ये आपको कब, ये अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये प्रक्रिया कब होगी? ये प्रक्रिया तब होगी जब बॉडी में मियोसिस हो रही है। तो मियोसिस के समय जो हेटरोजाइगस प्लांट है उससे दो तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, उन गैमेट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है। मतलब गैमेट्स दोनों तरह से सेपरेट हैं, गैमेट शुद्ध हैं। प्योरिटी ऑफ रूल्स को मतलब इसीलिए हम इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। वैसे तो ये यूनिवर्सल रूल है लेकिन इसका भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है, ये देखिए आप याद करेंगे सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन है नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन जब होता है तो उस समय आपको दो तरह के गैमेट्स ना दिखाई पड़ के एक ही तरह के गैमेट दिखाई पड़ते हैं, ये भी इसका एक्सेप्शन है। तो आपको समझना है कि पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जितने भी करेक्टर्स हैं उन्हें फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, फैक्टर जोड़े में पाए जाते हैं और F1 जनरेशन में एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को प्रकट नहीं होने देता है। जैसे यहां पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को प्रकट होने दे रहा है, तो यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट माने सेपरेट हो जाना। तो जब मियोसिस हो रही है तो उस समय देखिए जो हेटरोजाइगस पेरेंट है जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जो है दो एलील हैं एक जीन के, तो ये जो एलील हैं ये जब मियोसिस हो रही है, जब मियोसिस हो रही है तो इस मियोसिस के दौरान ये दोनों एलील सेपरेटली ट्रांसफर हो रहे हैं। एक गैमेट के पास कैपिटल टी एलील जा रहा है, दूसरे के पास स्मॉल टी जा रहा है और यही जब एलील पेयर में होते हैं तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप जवाब देंगे कि सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दो तरह के रिजल्ट आते हैं। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसके आधार पर दो रिजल्ट आते हैं। पहला जो रिजल्ट वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों यूनिवर्सल नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है, मैंने लिख दिया है। ये देखिए एक तो एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस और दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसका एक एक्सेप्शन है, मे बी एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन। ये दो तरह के एक्सेप्शन है जिसको आपको समझने हैं, सीखने हैं और मिस्टेक नहीं करनी है।